नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पांच की आंच, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। नमस्कार, आपके साथ मैं ललित। और आज सबसे पहले बात करेंगे महिला सुरक्षा की। एक बार फिर एमपी शर्मसार हुआ है। उपचुनाव के बीच शिवराज सिंह के बेटे के बयान पर कलह शुरू हो गई। इसके अलावा बात इस बात की भी कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, जहां विधानसभा के चुनाव का शोर तेज होता जा रहा है। शिमला मंडी के बाद अब उत्तराखंड में मस्जिद को लेकर विवाद सामने आया है। इधर इंदौर में हेलोवीन पार्टी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग और अनूठा प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में रेप और तो सबसे पहले बात कर ली जाए महिला अपराधों से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में रेप और अपराध मानो आम हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रीवा में जो दरिंदगी हुई है वो एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल उठा रही है। पति पत्नी, वो भी नव विवाहित पति पत्नी, मंदिर की तरफ घूमने गए और वहां पत्नी के साथ बदमाशों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जब इसका विरोध किया गया तो पति की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। दरिंदगी का वीडियो भी बनाया गया। इतना ही नहीं, न सिर्फ वीडियो बनाया गया बल्कि उसे वायरल करने की धमकी दी गई है। आखिर एमपी में ये क्या हो रहा है? क्या कानून और पुलिस का अपराधियों में डर खत्म हो चुका है? मध्य प्रदेश फिर हुआ शर्मसार। महिला के साथ गैंगरेप की वारदात। पति के सामने पत्नी के साथ दरिंदगी। वीडियो बनाया, आरोपियों ने धमकाया। महिला सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। दरिंदगी की ऐसी दास्ता जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। पति के सामने पत्नी के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने दरिंदगी का वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। ये तस्वीरें उसी जगह की है जहां महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना स्थल से शराब की बोतल भी मिली। इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़ क्षेत्र में स्थित भैरव मंदिर में। ये वही स्थान है जिस स्थान में 21 अक्टूबर को दरिंदे ने घटना को अंजाम दिया। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे। ये वही स्थान है जिस स्थान में दरिंदे ने इस घटना को अंजाम दिया। वारदात से पहले का आरोपियों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी पार्टी करते हुए नजर आ रही हैं। ये हमारे साले साहब आग लगा रहे हैं। ये भाई साहब, ये तैयारी चल रही है, भर्ती उठी लगी है अपनी, ये सुलूक रही है। ये भाटा साटा भूल गया, आलू टमाटर दुनियादारी सब भूल चुका है, तैयारी चल रही है। राम, कैसा हो गया है अपना एमपी और कैसे हो गए हैं यहाँ के लोग? दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। महिला अपने पति के साथ भैरव बाबा मंदिर गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप के एक आरोपी ने कबूला है कि कुल 8 लोग थे, सभी नशे में थे। ये हम लोग गुड़ के पास भैरव बाबा के मंदिर है, वहाँ गए थे घूमने, वहाँ नहा रहे थे, खाना पीना बनाए वो लोग खाए, और उसके साथ ही मुझे जबरदस्ती गांजा और दारू पिला दी गई। मैं नशे में था। वीडियो भी बनाए थे? मैं भी उसकी वीडियो बनाया था गाड़ी की। वो बोली कि नहीं, रेप का भी वीडियो बनाए थे? नहीं, वो मेरे को नहीं पता है कि वो लोग बनाए थे कि नहीं बनाए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है, जल्द ही अन्य आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। रीवा से विजय गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज 18। रीवा में हुए गैंगरेप के बाद राजनीति भी अब गर्मा गई है। महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष कविता पांडे ने कई सारी बातें कही हैं। उनका यह भी कहना है कि पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा, परेशान होता रहा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया।
उधर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि सीएम और सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। उसी दिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव, डिप्टी सीएम और तमाम राष्ट्रीय से लेकर मध्य प्रदेश के नेता रीवा में इन्वेस्टर मीट कर रहे थे और व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे व्यापारियों के साथ, और वहीं वो लड़की गली गली न्याय मांगने की इच्छा के साथ गली गली घूम रही थी, लेकिन यहाँ की सरकार और जिला प्रशासन पूरी ताकत के साथ यह बात किसी को पता न चले इस पर फोकस कर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता के साथ में, अव्वल इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए, अगर दुर्भाग्य से कहीं कुछ होता है तो उसको हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने इन चीजों को कानूनी दायरे में लाकर कठोर से कठोर कार्रवाई का जो मुझे लगता है कि काम किया है, और भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए, अगर होंगी तो उनको बहुत ताकत से उनको दबाने का काम किया जाएगा। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में अपराध की गूंज है और दूसरी तरफ उपचुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। जीत को लेकर दावे किए जा रहे हैं। विजयपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि कांग्रेस 500% जीतेंगे। परसेंटेज भी वो बता दे रहे हैं, 100% से ज्यादा आगे जाकर 400 उन्होंने अपना एड ऑन किया है, 500% कांग्रेस यहां से जीत रही है। ये भी कहा कि रामनिवास रावत को लोग खोटा सिक्का मानते हैं क्योंकि वो 8 बार चुनाव लड़े लेकिन उनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा भुखमरी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इलाके में हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज और यहां तक के रोजगार कुछ भी नहीं है। इस पार्टी हमेशा गंभीर रही है और 100% वो कांग्रेस की सीट है और 500% कांग्रेस जीतेगी। लेकिन आपने कैंप भी किया, क्या माहौल नजर आता है, लोग क्या सोचते हैं? राम निवास जी के खिलाफ वहाँ माहौल है, लोग कहते हैं खोटा सिक्का है, ये 8 बार चुनाव लड़े, बीजेपी 25 साल से सत्ता में है, 10 साल से देश में है, सबसे गरीब विजयपुर क्यों है। और उपचुनाव के शोर में एक शोर कार्तिकेय सिंह चौहान का भी है। जी हां, बुधनी में चुनाव प्रचार के दौरान कार्तिकेय ने एक बयान दिया है। इस बयान के बाद दिग्विजय सिंह ने जब सलाह दे दी तो सियासी कलह शुरू हो गई। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि पहले दिग्विजय सिंह अपने बेटे और भतीजे को सलाह दे। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में हताशा और निराशा साफ दिख रही है। बयान पर सलाह, शुरू हुई कलह। अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है लेकिन गलती से भी आ जाता है यहां पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली, ये समझ लेना आप सब। कार्तिकीय को नसीहत, गरमाई सियासत, बीजेपी का वार, कांग्रेस का पलटवार। अरे दिग्विजय सिंह, पहले अपने घर में आप इस प्रकार की चीजों को करिए। घमंड और अहंकार बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने निम्न स्तर पर आ चुकी है। एमपी में उपचुनाव का दंगल जारी है, कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज चुनावी प्रचार में जुटे हैं। इस बीच शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह के एक बयान पर सियासत शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको कार्तिकेय का वो बयान सुनाते हैं जिस पर बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। अगर 19-20 हुआ किस मुंह से जाएंगे हम हमारे नेताओं के पास काम कराने के लिए, कौन सी सड़क लेके जाओगे? अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है लेकिन गलती से भी आ जाता है यहाँ पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली, ये समझ लेना आप सब। पर तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली, ये समझ लेना आप सब। पर तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली, ये समझ लेना आप सब। पर तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली, ये समझ लेना आप सब। इसी बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कार्तिकेय को सलाह दी है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, कार्तिकेय अभी से इस प्रकार का भाषण ना दो, अपने पिता शिवराज सिंह चौहान से सीखो। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर भारत निर्माण में सहयोग करते हैं। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा लेकिन मैंने इस प्रकार की भाषा का कभी उपयोग नहीं किया, आपके पिता गवाह हैं। पंचायत राज कानून में निर्माण काम करने की जिम्मेदार सरपंच की होती है, न कि विधायक की, और आप तो अभी न सरपंच है और न विधायक, आप मेरे पुत्र नहीं पौत्र समान है, ये मेरी राय है, आप माने ना माने आप जाने। और सचमुच में मेरे लिए तो ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय चाचा साहब मुझे
और मेरे बयानों को इतनी नज़दीकी से देखते हैं, इसके लिए उनका आभार। और दूसरी तरफ जहां उनके बयान का सवाल है, जहां कांग्रेस के बयानों का सवाल है, उनके नेताओं के बयानों का सवाल है, वो सब डरने डराने की बातें करते हैं। दिग्विजय सिंह की सलाह पर अब सियासी कलह शुरू हो गई है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा दिग्विजय सिंह पहले अपने बेटे और भतीजे को शिक्षा दें। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि कार्तिकेय का धमकी वाला लहजा बता रहा है कि बीजेपी किस तरीके से हताश और निराश है। देखिए, वो दिग्विजय सिंह जो स्वयं के अपने पुत्र और भतीजे के क्रियाकलापों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे, हमने देखा कि किस प्रकार से अधिकारियों के साथ सिगरेट के छल्ले उगाते हुए बेहद ही अशोभनीय आचरण करते हुए उनके जो भतीजे हैं वो कैमरे पर रिकॉर्ड हुए थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को सब सदाचरण की सीख दे रहे हैं। अरे दिग्विजय सिंह, पहले अपने घर में आप इस प्रकार की चीजों को करिए। और कार्तिकेय चौहान ने जिस तरीके से जनता को धमकी दी है, कहा कि अगर बुधनी हारे तो एक ईंट नहीं लगेगी, ये घमंड और अहंकार बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने निम्न स्तर पर आ चुकी है। फिलहाल उपचुनाव के बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच कार्तिकेय के बयान पर तकरार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो ये भी गजब हैरत की बात है कि चर्चाएं बनना चाहिए था रमाकांत भार्गव को, और किससे कहे जा रहे हैं कार्तिकेय के, वैसे वो भी एक दावेदार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं। महाराष्ट्र का महाचुनावी दंगल अब शुरू हो चुका है। आज मुंबई से लेकर नागपुर तक दिग्गजों का नामांकन हुआ है। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के उम्मीदवार हैं। नामांकन से पहले फडणवीस ने नागपुर में एक रोड शो भी किया। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर फडणवीस जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। नामांकन से पहले फडणवीस अपने परिवार के बीच दिखे। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर कांग्रेस की तरफ से प्रफुल्ल गुड्डे उम्मीदवार है, जो महाअघाड़ी की ओर से फडणवीस को चुनावी मुकाबले में चुनौती देंगे। हालांकि प्रफुल्ल को फडणवीस 2014 के विधानसभा चुनाव में हरा चुके हैं। तो बीजेपी के एक और दिग्गज हैं आशीष शेलार, वो भी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आशीष शेलार मुंबई की बांद्रा वेस्ट से उम्मीदवार बनाए गए हैं, और आशीष शेलार अभी बांद्रा वेस्ट सीट से ही विधायक हैं और मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं। आशीष शेलार ने महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार बनने का दावा किया है। तो वहीं महाराष्ट्र वाली सीट पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। वर्ली सीट पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ सीएम शिंदे ने बड़ा सियासी चुनावी प्लान तैयार किया है। खबर यह है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिंदे गुट से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा उम्मीदवार हो सकते हैं, पुराने कांग्रेसी रहे हैं। वर्ली सीट से शिवसेना उद्धव गुट से आदित्य ठाकरे ने कल ही नामांकन दाखिल किया था। उधर अजीत पवार गुट ने जीशान सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट से चुनावी मैदान में उतारा है। तो पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर से टिकट दिया गया है। जीशान आज ही एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे, और जीशान मुंबई की बांद्रा ईस्ट सीट से 2019 में भी चुनाव जीते थे। एक और खास बात जो लगातार चर्चाओं में रहे, जीशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं जिनकी हत्या हाल ही में गोली मारकर की गई थी, और जो पहले ही अजीत पवार गुट में शामिल हो चुके थे। हालांकि कांग्रेस ने विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में पहले ही जीशान को पार्टी से निलंबित कर दिया था। अगली खबर उत्तराखंड से। यहां उत्तरकाशी जिले में मस्जिद को लेकर हुए बवाल के बाद हालात तनावपूर्ण है। पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। हिंदूवादी संगठनों ने बंद का ऐलान भी किया है। आपको बता दें, बीते रोज हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद के विरोध में जनाक्रोश रैली निकाली थी, और रैली पर पथराव के बाद हालात बेकाबू हो गए थे। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। इधर इस लाठीचार्ज के विरोध में पूरा यमुना घाटी बाजार बंद है। बंद के चलते जो तीर्थयात्री हैं, सैलानी हैं, वो परेशान हो रहे हैं। फिर ये लोग अपने रूट में आए और सिंगल चौक के पास हम लोगों ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, क्योंकि उस रूट से आगे इनको अनुमति नहीं थी, इनका रूट अलग था। तो बैरिकेडिंग में इन लोगों ने काफ़ी देर तक वहाँ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। तो उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर ये स्थिति है कि इनके बीच में कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर बोतलें फेंकी,
फिर पत्थर भी उसमें पड़े और बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, और इसी बीच फिर जब बैरिकेड तोड़ दिया गया तो पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया और आंसू गैस छोड़े। उस समय पर उनको चलना था तो इन्होंने वो रूट छोड़ करके ये कोशिश की कि दूसरे रूट से जाएं, तो वहाँ पर रोकने की कोशिश में थोड़ी धक्का मुक्की हुई, उसके बाद फिर उन्होंने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी में कुछ पुलिस और पुलिस कस्टडी में। युवक की मौत के बाद बलरामपुर में शुक्रवार को भी बवाल जारी है। मृतक का शव लेने से परिवार वालों ने और जो समाज के लोग हैं उन्होंने इनकार कर दिया है, साथ ही चक्का जाम किया। परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, कल की घटना में शामिल सभी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई समेत कई मांगे की गई। शव के अंतिम संस्कार को लेकर भी भीड़ आक्रोशित हो गई। भीड़ ने पुलिस पर ही पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज किया। दरअसल ये मामला थाने में पूछताछ के लिए बुलाए गए स्वास्थ्य विभाग के जो प्यून है गुरुचरण, उनसे जुड़ा हुआ है। लॉकअप में बाथरूम में उसने फांसी लगा ली। मौत की सूचना मिलने जैसे ही मिली तो हंगामा हुआ और उसके बाद से लगातार ये बवाल जारी है। और चलिए अब बात करते हैं आग और सड़क हादसों की। सबसे पहले कटनी की बात करते हैं। कटनी में गोदाम में आग से हाहाकार मच गया। चंद मिनटों में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। टीवी, एसी, ऐसे कई सामान इस आग में स्वाहा हो गए। तो वहीं उज्जैन के नागदा के पास जावरा स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में चार लोगों की जान चली गई। ग्वालियर में हालांकि एक बड़ा हादसा टला है। एलपीजी सिलेंडर से भरी गाड़ी पलट गई। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। खरगोन में सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इंदौर में हेलोवेन पार्टी को लेकर सियासत अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के नेता बाकायदा एक तांत्रिक को लेकर केईएम बिल्डिंग पहुंचे और वहां पर तंत्र क्रिया की। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी नेता अक्षय कांति बम का भूत भगाने की कोशिश जो है कर रहे हैं। इसके अलावा एमजीएम कॉलेज के डीन और अक्षय कांति बम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कांग्रेसी कर रहे हैं। इन सबके बीच उपचुनाव के सिलसिले और उपचुनाव के बीच जबलपुर में एनएसयूआई का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एनएसयूआई बेरोजगारों को रोजगार देने का दावा करते हुए नजर भी आ रहे हैं। एनएसयूआई की तरफ से जारी किए गए एक पोस्टर में ये सब जानकारी दी गई है। इसमें लिखा है कि 12वीं पास बेरोजगार युवा एनएसयूआई से संपर्क कर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केंद्र सरकार के 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा पूरा न करने पर एनएसयूआई ने रोजगार देने का रास्ता निकाला है। 15,000 से 40,000 रुपए प्रति महीने योग्यता के मुताबिक वेतन देने के बारे में लिखा गया है। और प्रदेश में महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी एसोसिएशन एकजुट हो गए हैं। सतपुड़ा भवन के बाहर कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार से महंगाई भत्ता जारी करने की मांग की है। महंगाई भत्ते के अलावा पुरानी पेंशन बहाल करने और कई मुद्दों को लेकर कर्मचारी नेता ने प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के आदेश के तहत मध्य प्रदेश में भी 7% महंगाई भत्ते की मांग कर्मचारी कर रहे हैं। हमारे महंगाई भत्ता जो रुका हुआ है जनवरी से 10 महीने हो गए वो दिया जाए। हमारे पेंशनरों को महंगाई राहत दी जाए। हमारे जो वाहन भत्ता है लिपकों की ग्रेट पे में विसंगति है। हमारा मकान किराया है। हमारे वाहन चालकों की समस्या है जो टैक्सी भरता है। इन मांगों को लेकर लगातार जो ज्ञापन हम लोग सौंप रहे हैं। और अब बात दाना की करेंगे। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा तट से टकरा गया। दाना तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के धामरा में तट से टकराया। इस तूफान के असर से धामरा में बहुत तेज बारिश हो रही है। धामरा के अलावा केंद्रपाड़ा में भी तेज बारिश हो रही है। उड़ीसा के बाद तूफान दाना बंगाल की तरफ से बढ़ेगा, जहां पर कोलकाता में पहले से ही तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु के कई इलाके भी तेज बारिश की चपेट में रहेंगे। बाढ़ जैसे हालात यहां पर बन गए। इन सब के बीच ये तस्वीरें देख लीजिए।
और इसी के साथ ही